पंकज आज किसकी बारी है पूछताछ की? देखिए दर्शकों को बता दें, सूर्यदीप मल्होत्रा जो कि शौविक चक्रवर्ती के स्कूल के दोस्त थे, उनको आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इसके अलावा क्रिस कोस्टा नाम का एक ड्रग पेडलर है जिसको ट्रांजिट रिमांड लेके गोवा से मुंबई लेके आया जा रहा है, उसकी भी कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी करी जाएगी। करीब 15 लोग हैं जो इस वक्त एनसीबी की हिरासत में है। इस वक्त हम मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स के यहाँ पर सामने हैं। जैसा कि पहले दिन से ही एनसीबी के अधिकारी बताते हुए आ रहे हैं कि ये नेटवर्क बेस एक कॉन्टैक्ट बेस सिंडिकेट है जिसमें कई और नाम आने बाकी हैं, और यही कारण है जिससे जो प्राइम अक्यूज अभी तक जिनके नाम सामने आए, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हैं, शौविक चक्रवर्ती हैं, जैद विलात्रा हैं, बासित परिहार हैं, सैमुअल मिरेंडा हैं, दीपेश सावंत हैं, इनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है क्योंकि एनसीबी कह रहा है कि ये लोग कई ज्यादा और लोगों से मिले जुले थे, ये बड़ा नेक्सस है और कई और नाम ऐसे हैं जिन्हें अभी ट्रेस करना बाकी है, उन्हें एप्रीहेंड करना अभी और बाकी है। और साथ ही साथ अब तो बड़ा खुलासा ये भी आ गया है कि कोकेन जैसी हार्ड ड्रग्स भी इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा होती थी जिसको प्रोक्योर किया जाता था और ए लिस्टर्स को बॉलीवुड में दिया जाता था। अब बॉलीवुड के कई नाम धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। एनसीबी का कहना है अब उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत क्रूशल स्टेज में पहुंच चुकी है, यानी अब कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में शायद बॉलीवुड के कुछ चेहरे भी यहां पर एनसीबी के दफ्तर में आ सकते हैं और उनसे पूछताछ भी हो सकती है। तो आने वाले दिनों में, शायद आने वाले घंटों में ही बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। एनसीबी हेडक्वार्टर्स में हमारी पैनी नजर है, जैसे ही यहां पर कुछ हरकत होती है, कोई नया डेवलपमेंट होता है, आज तक सबसे पहले दर्शकों के सामने वो जानकारी लेकर आएगा। लौटूंगी मैं आपके पास पंकज। इस बीच आपको ये बता दें कि आज एनसीबी में जांच का सिलसिला जारी रहेगा, पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और आमने सामने भी होगी। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता लगातार तमाम जानकारी के साथ उस आइलैंड से जुड़ गए हैं जहां पर सुशांत सिंह राजपूत और उनके दोस्त पार्टी किया करते थे। अब अरविंद, जो फार्म हाउस है यहां पर जहां पर अक्सर पार्टियां ऑर्गेनाइज की जाती थी, वहां पर क्या कुछ हासिल हुआ है, किस तरीके के सबूत हैं वहां पर, किस तरीके के नशे का सामान है, क्या कुछ मिला है वहां पर? जी देखिए नेहा, आज तक ने कल ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी सुशांत सिंह के फार्म हाउस की और क्या कुछ नशे से जुड़ी चीजें वहां पर मिली थी, कुछ दवाइयां मिली थी, वो उसकी तहकीकात चल रही है। लेकिन जिस तरह से कल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर दिखाई गई, उसके बाद एनसीबी के सूत्रों ने आज तक को बताया कि जांच का दायरा काफी ज्यादा बढ़ा है और खासकर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूरी नजर है, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दरअसल इसी टापू पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नजर है, इसी टापू पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नजर है। और जिस तरह का स्टेटमेंट, जिस तरह के बयान पहले भी चाहे दीपेश सावंत ने दिए हो, चाहे शौविक चक्रवर्ती ने दिए हो, उनके बाद तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को काफी अहम लीड मिली ही थी। और खासकर जिस तरह से नाम आया है, दो नाम बड़े नाम आए हैं, रिया चक्रवर्ती पहले से ही गिरफ्तार है, सारा अली खान का नाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने रिया चक्रवर्ती ने भी लिया था, लेकिन अब उस बोटमैन का बयान जिसका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दर्ज किया है, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी सिर्फ और सिर्फ आज तक के पास मौजूद है, उसके बाद जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में इन तमाम चेहरों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जरूर पूछताछ करेगी। लेकिन फार्म हाउस से तस्वीरें जो मिली थी वो आज तक के पास भी मौजूद है। कल हमने इस पर बड़ा खुलासा किया था कि किस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सुशांत के फार्म हाउस पर पहुंची, न सिर्फ सुशांत के फार्म हाउस पर पहुंची बल्कि जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आई, सबूत खंगाले गए और साथ ही साथ तमाम लोगों के बयान दर्ज किए गए।